हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और आसान सा डिजाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 8 के मल्टीपल में फंदे डाल के और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो हमारा ये डिजाइन सही से सेट हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिजाइन में मैंने ये डिजाइनर फंदे डाले हैं और ये 4 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की बना रखी हैं। आप अपने जैसे कार्डिगन में 50 फंदे डालो तो आप उसमें फंदे बढ़ाइएगा नहीं तो ये ज़्यादा लूज बन जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ते हैं और फिर अगली सिलाई में हमारे फंदे इक्वल हो जाते हैं, तो ये सही से सेट आ जाता बनने के बाद। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये 8 के मल्टीपल में 24 फंदे लेके और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फंदे डालने के बाद मैंने ये 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई हैं, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी। ये हमने 4 सिलाइयाँ बना के तैयार कर लिया है बॉर्डर। अब हम अपना डिजाइन बनाने के लिए फंदों को सेट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पहले हम 2 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे। अगर आप इस पहले फंदे को उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, मैं इसको हमेशा बना के लेती हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप बनाइएगा चाहे आप उतार लीजिएगा। ये एक फंदा और सीधा बना लीजिएगा, फिर धागा आगे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर धागा आगे करेंगे। और ये फंदा है जो 8वां फंदा है जो हमारा, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डलेगी, धागा आगे की तरफ, ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे। फिर धागा आगे करेंगे और फिर ये इस फंदे के इस साइड भी जाली डल गई और दूसरी तरफ भी ये फंदा आ गया आगे। अब फिर 7 फंदे बना देंगे ऐसे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, इसके दोनों तरफ जाली डालेंगे। अब फिर आगे करेंगे, फिर 7 फंदे बना देंगे, इसके दोनों तरफ जाली डल गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे फिर बना देंगे, एक जाली डल गई, 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके प्रोजेक्ट में अपने फंदे ज़्यादा हैं तो इसको ऐसे ही सेट करते जाएंगे। फंदों को पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 7 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, उसके दोनों तरफ जाली डलेगी, फिर 7 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा फिर सीधा, उसके दोनों तरफ जाली डलेगी। 7 फंदे बना के एक फंदा सीधा दोनों तरफ जाली, फिर 7 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा दोनों तरफ जाली डलेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम अपने इस पैटर्न को पूरा कर लेंगे और अपने फंदों को सेट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी सिलाई पर। इस प्रोजेक्ट में हमारी, इस डिजाइन में पूरी उल्टी तरफ से सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी ही बन के तैयार होंगी। ये हमारी दूसरी सिलाई है, इस दूसरी सिलाई को हम पूरी को उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे।
देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये दूसरी सिलाई भी बनके तैयार हो गई। अब हम आते हैं सीधी तरफ तीसरी सिलाई में। पहले हमने यहाँ पर दो फंदे सीधे बनाए थे, एक जाली डाली थी। अब जो ये फंदा जाली का है, ये फंदा भी हमारा सीधा ही बनेगा, तो हमारे यहाँ पर तीन फंदे सीधे बन जाएंगे, एक दो, और ये जाली वाला भी सीधा ही बना देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और फिर अपने वही सात फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। अब ये जो फंदा हमारा जाली का था, बीच में ये फंदा सीधा था, इसके दोनों तरफ ये जाली डली हुई है, ये दोनों जाली के फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे और बीच का भी सीधा बनेगा। इससे पहले हमने जाली डालनी होगी, तो ये धागा आगे करेंगे और ये जाली के फंदे हैं जो बीच का, इनको अब सीधा बना देंगे। धागा आगे करेंगे, जाली डल जाएगी, एक दो तीन, तीन फंदे बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर सात फंदे फिर सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात। फिर धागा आगे करेंगे और ये जो तीन फंदे, पहले एक फंदा था, दोनों तरफ जाली थी, अब ये तीन बन गए। इन तीनों को धागा आगे करेंगे, एक जाली यहाँ पे डल जाएगी और तीन फंदे हम सीधे बना देंगे, दो तीन। फिर धागा आगे करेंगे, जाली डल जाएगी, ये फिर सात फंदे फिर बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। फिर धागा आगे करेंगे और ये जाली का फंदा है जो दो फंदे सीधे थे, इन तीनों को सीधा ही बना देंगे। धागा आगे करते हुए जाली डल जाएगी, दो तीन। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये तीसरी सिलाई बनके तैयार हो गई। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बीच में जो हमारी ये जाली डलती है, ये फंदे बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आके फिर ये इक्वल हो जाते हैं, जो हमारा ये फ्लावर बनता है। बीच में छोटी छोटी पत्तियाँ बन जाएंगी और बीच में एक लाइन में फ्लावर बनते जाएंगे, एक में हमारी छोटी छोटी पत्तियाँ बनती जाएंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आप इसको कार्डिगन में, जैकेट में, बेबी फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हो। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन के आता है और बनाने में बहुत आसान भी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी। इस डिजाइन में हमारी बैक साइड से सभी सिलाई हमारी उल्टी ही बनती जाएंगी। ये हमारी चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई को हम उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। छह सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान डिजाइन है, बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिजाइन बन के आता है। आप इसको कार्डिगन में डालिएगा, जैकेट में डालिएगा, बेबी फ्रॉक में डालिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये चौथी सिलाई भी बनके तैयार हो गई है। अब हम आते हैं सीधी तरफ पांचवी सिलाई पर। पांचवी सिलाई में अब हमारा ये डिजाइन, ये फ्लावर बनेंगे, जो वो फंदे बनेंगे। तो अब हम अपने जो ये सीधे फंदे हैं, इन फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे, ऐसे, एक दो तीन, और जो जाली का फंदा है इसको भी सीधा ही बना देंगे, ऐसे चार। धागा पीछे ही रहेगा और जो ये हमारे ये सात फंदे हैं, इन सात फंदों को अब हम डिजाइन बनाएंगे तो इनको उल्टा बनाएंगे, तो धागा पीछे ही रहे। हमारी जो ये जाली पहले डली थी, यही जाली अब फिर डलेगी, तो धागा पीछे ही रहेगा और ऐसे सिलाई करते हुए धागा पीछे की तरफ से ही इस पर ऐसे दो बार घुमा देंगे, ऐसे, एक
ये दो दो बार घुमाते हुए सात फंदे हम बना लेंगे। तीन, चार, पांच, छः और सात। अब धागा आगे ही रहे और ये जो फंदे हमारे बीच के, अब ये पांच फंदे हैं। पहले एक था, फिर तीन बन गए, अब ये पांच फंदे बने हुए हैं। तो अब इसको ऐसे ही बना लेंगे सीधा। धागा आगे रहे, जाली डल गई और ये पांच फंदे सीधे बना लेंगे ऐसे। अब फिर धागा पीछे ही रहे और ये फंदे हमने सात उल्टे बनाने हैं, तो धागा पीछे ही रहेगा और इस फंदे को ऐसे सिलाई करते हुए ऐसे दो बार धागे को घुमाएंगे। एक फंदा बन गया, अब फिर दो बन गए, तीन बन गए और ये चार बन गए, ये पांच फंदे और ये छह फंदे और ये अब हमारा सातवां फंदा बन गया। अब धागा आगे ही रहे और बीच के जो फंदे हमारे जाली से बड़े थे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डल जाएगी, इन फंदों को हम सीधा ही बना देंगे। अब फिर धागा पीछे ही रहे, जो ये जाली डली थी हमारी, इस साइड में धागा आगे करके जाली डली थी, इस साइड में करेंगे तो हमने ये फंदे उल्टे बनाने हैं, तो धागा पीछे ही रहे और हम यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे ही दो बार घुमा देंगे, तो हमारी जाली भी डल जाएगी और डबल फंदा भी बन जाएगा। ऐसे दो बार घुमाएंगे, अब फिर दो बार घुमाएंगे, एक दो तीन, ये चार और ये पांच और ये छः और ये सात। अब धागा आगे ही रहे और ये जो चार फंदे हमारे बड़े हुए हैं, धागा आगे करेंगे तो हमारी एक जाली और डल जाएगी ऐसे ऐसे, इन फंदों को सीधा ही बना देंगे। ये हमारी डिजाइन की पांचवी सिलाई बनके तैयार हो गई। अब हम आते हैं बैक साइड में उल्टी तरफ, ये हमारी छठी सिलाई है। इस सिलाई में हमारा डिजाइन कंप्लीट होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो ये फंदे हमारे सीधी तरफ से सीधे थे, तो यहाँ से ये हमारे पूरे उल्टे ही बनते जाते हैं। तीन, चार और ये जाली का फंदा है पांच, इनको बना लेंगे और जो ये सात फंदे हैं इनके हम धागे खोल लेंगे। एक दो तीन चार पांच छः और सात। जो ये जाली थी, इस फंदे को इसी सिलाई पर रहने देंगे, इसको उतारेंगे नहीं। ये हमारे सात फंदे बन गए और इनको वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे और इन सात फंदों का एक फंदा ऐसे उल्टा बना देंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, टाइट सा करके बनाएंगे, तो हमारा फ्लावर बनता हुआ नजर आएगा। जाली का फंदा इसको भी उल्टा बना देंगे। अब ये हमारे सात फंदे बन जाएंगे, तीन चार पाँच छः और सात। अब फिर ये हमारे जो सात फंदे हैं, इनके धागे हम खोल लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। जाली वाला फंदा जो सिलाई के ऊपर ही रहेगा, और ये हम इनके सात के धागे खोल लेंगे और इनको वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे ऐसे, और इनका एक फंदा सात का एक उल्टा बना देंगे। जो हमारे फंदे बड़े थे जाली डल के, भी इसमें कट के हमारे फिर वह इक्वल फंदे बन जाएंगे। दो सिलाइयों में फंदे हमारे बढ़ेंगे और इसमें हमारे आके छठी सिलाई में हमारे कट जाएंगे। अब फिर ये सात फंदे ऐसे ही बना लेंगे, पूरी सिलाई को हम उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। हमारा फिर वही ऐसे ही आ जाएगा, वही सात फंदे खोल लेंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात। अब ये सात फंदों को वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे ऐसे,
और इन सात का एक ऐसे बना देंगे उल्टा फंदा। और फिर जो ये जाली का फंदा है, ये रहा जो हमने धागा ऊपर से किया था, इसको ऐसे उल्टा ही बना देंगे। और ये फंदे हैं जो इनको उल्टा ही बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा छह सिलाइयों का डिजाइन था। और ये छह सिलाई बन के हमारा ये डिजाइन ऐसे फ्लावर बना बन के नजर आने लगे। बनने के बाद बहुत प्यारा डिजाइन बन के आता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको फिर बताती हूँ। जैसे हमने ये पहली सिलाई शुरू की थी, वैसे ही अब ये पहली सिलाई दोबारा से सेट करेंगे। दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और सात फंदे, एक जाली डल गई, सात फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे ये हमारे इस साइड के हो जाएंगे, 30 इंच साइड के तीन, एक फंदा जो ये फ्लावर बना ये बीच में है, तो ये हमारे सात फंदे बन जाएंगे। एक जाली डलगी, दो ये, एक ये, तीसरा, चौथा फंदा हमारा हर बार ये फ्लावर का आएगा। तीन फंदे फिर ये आगे के, ये टोटल हमारे सात फंदे बन जाएंगे। अब फिर जो हमने ये यहाँ पे जाली डाली थी, वो फंदा अब हमारा यही फिर आ जाएगा। तो हम धागा आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर सात फंदे फिर सीधे बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे पर दोनों तरफ जाली डलेगी, एक जाली हमारी डल गई। अब फिर धागा आगे करेंगे और अपने आगे के सात फंदे बनाएंगे, तो ये एक जाली यहाँ पर डल जाएगी ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे फिर बना देंगे। अगर आपके जैसे ज़्यादा फंदे होंगे तो आप जैसे यहाँ पर सात फंदे बनाए, फिर ये एक फंदा ऐसे दोनों तरफ जाली डल जाएगी, फिर सात बना लेंगे, फिर दो एक फंदा बना लेंगे दोनों तरफ जाली डाल के, सात फंदे फिर सीधे बना देंगे। ऐसे ही हम अपने फंदों को सेट करेंगे। अब हमारे फंदे यहाँ ख़त्म होने को हैं, तो हम जाली डाल कर दो फंदे सीधे बना देंगे लास्ट में। ये हमारी पहली सिलाई बन के तैयार हो गई। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिजाइन भी नज़र आने लगा। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत डिजाइन लगता है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा डिजाइन पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।